हेलो फ्रेंड, जब आप लोग जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करते हो तो आपके सामने जो कुछ इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एंड यहां पे आपको जो सबसे ऊपर में हाईलाइट करके लिखा हुआ मिल जाता है अपलोड योर आईडी। तो फ्रेंड्स, आज की सुना आपको बताऊंगा कि आप लोग जो इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स कर सकते हो एंड किस तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप भी सीखना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करना तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। एंड आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ में आपको जो एक बेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे ऑल पे सेट करो ताकि आप लोगों को हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है एंड उसके बाद आपको जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। एंड जैसे ही आप लोग जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करोगे तो आपके सामने जो कुछ इस तरह का एक पेज देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एंड यहाँ पर आपको जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ मिल जाएगा अपलोड योर आईडी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें जो है इंस्टाग्राम टीम को एक आईडी कार्ड अपलोड करना होगा। आईडी कार्ड में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो आईडी कार्ड में आप जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड एंड बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पे इनकी जो कुछ कंडीशंस है उनको यहां पे आपको जो फॉलो करना होगा। एंड वो कंडीशंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो उन कंडीशंस को समझने के लिए आपको जो है नीचे में दिए गए पैराग्राफ को रीड कर लेना है। एंड जैसे आप लोग जो इसको रीड करोगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि इनकी वो कंडीशंस क्या है। तो फ्रेंड्स, यहां पे लिखा हुआ है वी नीड अ फोटो ऑफ योर ऑफिशियल आईडी विद योर डेट ऑफ बर्थ विजिबल। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑफिशियल आईडी कार्ड होगा उसमें आपका फोटो होना चाहिए एंड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो उस आईडी कार्ड में मेंशन होना चाहिए एंड क्लियर शो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपका जो भी आईडी कार्ड है उसका एक क्लियर पिक क्लिक कर लेना है। एंड पिक किस तरह से क्लिक करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड का पिक यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो आपको भी सेम इसी तरह से जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा उसका पिक क्लिक करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको जो अपने आइडेंटिटी कार्ड को किसी भी टेबल या फिर सरफेस प्लेस पर रख लेना है। रखने के बाद जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो पूरी तरह से शो होना चाहिए, मतलब उसके जो चारों कॉर्नर हैं वो पिक में आनी चाहिए, कहीं से भी आपका आइडेंटिटी कार्ड कटना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद आप जो भी आइडेंटिटी कार्ड यूज कर रहे हो उसमें आपका पिक होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। एंड सेकेंड चीज़, जो भी आप आइडेंटिटी कार्ड यूज कर रहे हो उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन होनी चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ आइडेंटिटी कार्ड पे लिखी हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी हुई नहीं है लेकिन हमने जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है तो वो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। जिस आइडेंटिटी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होगी, जो शो हो रही होगी एकदम क्लियरली, वही आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। एंड एक लास्ट चीज़, जो आइडेंटिटी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है सेम वही डेट ऑफ बर्थ आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में भी होनी चाहिए, तभी आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो एक्सेप्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको जो अपने आइडेंटिटी कार्ड का किस तरह से पिक क्लिक करना है। एंड साथ ही साथ आप ये भी समझ चुके होंगे कि आपके आइडेंटिटी कार्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो आपके पास में, तब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट अपने इंस्टाग्राम पे वापस से आ जाना है। वापस आने के बाद यहाँ पे आपको जो नीचे में एक अपलोड अ फोटो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट इस वाले ऑप्शन पे टैप करके आपको जो अपने आईडी कार्ड के फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एक आईडी कार्ड के फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो एक आईडी कार्ड के फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है। सेम आपको भी इसी तरह से अपने आईडी कार्ड के फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो एक नीचे में सबमिट बटन देखने को मिल रहा होगा, जस्ट आपको जो इस सबमिट बटन पर टैप कर देना है। एंड जैसे ही आप लोग जो सबमिट बटन पर टैप करोगे, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो जस्ट नाउ पे इंस्टाग्राम टीम को सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके सामने जो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद आपको जो कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ पे आपको जो 48 आवर्स का वेट करना है।
48 आवर्स के अंदर इंस्टाग्राम टीम आपके द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन पर रिव्यू करेगी एंड रिव्यू करने के बाद ही आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का फाइनल डिसीजन लेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपने जो इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम टीम को सेंड की है वो एकदम सही है एंड इंस्टाग्राम टीम ने जिस जिस रिक्वायरमेंट के लिए आपको बोला था वो आपने कंप्लीट की है, तो यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर दिया जाएगा, वो भी 48 आवर्स के अंदर। एंड आपने गलत इन्फॉर्मेशन सेंड की है एंड उनके द्वारा बताई गई रिक्वायरमेंट को फिल नहीं किया है तो यहाँ पे आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो ओपन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो में।